हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। फाइनली मैंने अपने हेडफोन में बहुत बड़ा अपग्रेड करा है। तो अभी मैंने कुछ टाइम पहले लिए थे रेड गियर के कॉस्मोस 7.1 और अब मैंने लिए हैं ये लॉजिटेक के G733। और आज हम इसके बारे में देखेंगे कि इसमें तो वैसे ही मुझे काफ़ी कॉस्टली पड़ा है, पर देखते हैं कि उस हिसाब से ये वर्थ इट है भी या नहीं है। तो आज हम देखते हैं लॉजिटेक के G733 वायरलेस गेमिंग हेडफोन्स। सबसे पहले तो ये हेडफोन्स जिसको भी मैंने चार्ज पे लगा रखा है, तो उसको हम बाद में देखते हैं। तो उसके बाद इसके अंदर है एक ये USB जिसके थ्रू हम इसको कनेक्ट करेंगे अपने PC में या PlayStation में, किसी में भी हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद है ये माइक, तो इस माइक को हम उसमें अटैच करके देखेंगे कि इसकी वॉइस कैसी है, उसको भी एक बार हम चेक कर लेंगे। उसके बाद इसके साथ मिली है एक सीट टाइप की चार्जिंग केबल जो मैंने अभी इसको चार्ज पे लगा रखा है, क्योंकि जब ये आया इसमें बैटरी थी नहीं, क्योंकि मैंने आते ही सबसे पहले अनबॉक्सिंग करके फटाफट से चेक कराया। एक्साइटमेंट में मैंने खोल ही दिया, मैंने अनबॉक्सिंग कैमरे पे नहीं करी, एक्साइटमेंट में करी ली, पहली कर ली। तो ये हमारे लॉजिटेक के नए गेमिंग हेडफोन, और मैं इसको मैंने पहले दिखा देता हूँ। इसके अंदर ना यहाँ पे है म्यूट बटन है ये पीछे, और उसके नीचे यहाँ पे जो ये डायलर दिख रहा है ना, ये है आवाज़ ज़्यादा कम करने का। उसके बाद ये है यहाँ पे पावर बटन, और उसके बाद ये यहाँ पे चार्जिंग पोर्ट है। तो ये पूरा वैसे प्लास्टिक में, लेकिन इसकी ना प्लास्टिक काफ़ी मतलब फ्लेक्सिबल भी है, मतलब वो इजीली टूटेगी भी नहीं। तो अगर हम इसका ऐसे बेंड भी करेंगे ना, और उसके बाद ये जो स्ट्रैप है ना, स्ट्रैप ये होता है कंफर्ट करने के लिए, जो मेरे पुराने वाले हेडफोन्स थे उसमें भी थी ये वाली स्ट्रैप। ये ना यहाँ से रिमूव भी हो जाती है, अगर हम इसको धोना हो या फिर हमको दूसरे कलर के लगाने हो तो यहाँ से ना ये रिमूव भी हो जाती है ऐसे करके। और उसको हम एडजस्ट करके आगे या पीछे से लगा भी सकते हैं अपने सर के अकॉर्डिंग। तो मेरा सर बड़ा है तो मैं इसको ना सबसे नीचे वाले में लगाऊंगा। उसके बाद यहाँ से अगर हम इसको हमें अपने हेड के हिसाब से हम यहाँ से भी इसको ज़्यादा कम कर सकते हैं, वो यहाँ से थोड़ा सा ही है लेकिन इसको हम ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो अब हम इसको पहन के ना एक बार इसको ऑन करके देखते हैं। इसका यहाँ से करता हूँ मैं स्विच बटन ऑन, और इसमें जलेगी अब LED लाइट। तो इसमें ये RGB लाइट जलने जाती है ऑन करने के बाद, जिसको हम अपने जो इसका एक सॉफ्टवेयर होता है लॉजिटेक का गेमिंग का, लॉजिटेक G-Hub, उसके थ्रू हम इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं अलग अलग। हमको फ्लैट डालनी है, फ्लैट करनी है, ब्रीथिंग इफेक्ट डालना है, ब्रीथिंग इफेक्ट डाल सकते हैं। उसको करने के बाद मैंने इसका ना साउंड चेक किया थोड़ी देर पहले, तो साउंड इसका बहुत ज़्यादा लाउड नहीं है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है, तो साउंड इसका काफ़ी डिसेंट है, और काफ़ी मतलब ऐसा नहीं है कि आपके सर में दर्द हो जाएगा। लेकिन हाँ, आप आराम से इसको लगा के 15-20 घंटे आराम से गेम खेल सकते हैं। 15-20 घंटे इसलिए क्योंकि इसकी जो इसकी बैटरी लाइफ है ना, इसकी बैटरी लाइफ है अराउंड 28-29 आवर्स, जो कंपनी क्लेम करती है। मैंने तो वो चेक करा नहीं, लेकिन जो कंपनी क्लेम करती है वो है इतनी। तो इसके बाद ना मैं आपको इसका माइक दिखाता हूँ, इसके माइक से कैसी आवाज़ आती है। तो इसको हम ऐसे ना यहाँ से इसको मोड़ के आराम से बात कर सकते हैं अपने दोस्तों से। अब मैं इसको आवाज़ चेक कर लेता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं इसको PC में तो लगा लूँ, क्योंकि मैंने ये तो अभी तक लगाया ही नहीं है। तो इसको मैं लगा लेता हूँ अपने लैपटॉप में। तो मैंने इसको ना अपने लैपटॉप में लगा लिया। अभी हम इसका ना माइक चेक करेंगे, इसके माइक से कैसी आवाज़ आती है। अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हो ना, वो आवाज़ आ रही है मेरे जो ये माइक है ना, जो मेरा स्ट्रीमिंग माइक है, आप इसकी आवाज़ आ रही है आपको। तो अब मैं ना इसको चेंज करूँगा उसमें। तो अब आपको जो आवाज़ आ रही है ना, अब आपको जो आवाज़ आ रही है वो आ रही है मेरे लॉजिटेक के G733 में से। तो ये इसकी आवाज़ है जो आप अभी मैंने इसकी आवाज़ चेक नहीं करी है, तो वो मैं वीडियो के बाद चेक करूँगा, वीडियो देख के कि कैसी आवाज़ है। तो आप बताना आपको कैसी आवाज़ लगी। और हाँ, अब मैं इसका आपको वो दिखाता हूँ जो इसका लॉजिटेक का G-Hub सॉफ्टवेयर है ना, उसके अंदर हम इसमें क्या क्या सेटिंग्स कर सकते हैं वो मैं दिखाता हूँ। तो ये है इसका लॉजिटेक G-Hub सॉफ्टवेयर, इसके अंदर हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं कुछ भी जो हमें चेंज करना हो। और इसमें जो हमारे लॉजिटेक के डिवाइस हैं वो आ जाएंगे, जैसे मेरे पास ये लॉजिटेक का कैमरा भी है C922। तो अब है ये G733, इसमें 42% बैटरी दिखा रहा था। तो इसमें हम यहाँ से इसकी वॉल्यूम सेट कर सकते हैं, कितनी आवाज़ आए, माइक की वॉल्यूम सेट कर सकते हैं कितनी आवाज़ जाए, साइड टोन्स हम उसमें ज़्यादा कम कर सकते हैं। यहाँ पे हम EQ चेंज कर सकते हैं कि हमें बेस कितना चाहिए, ट्रेवल कितना चाहिए, वो हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो और उसके बाद हम यहाँ से सराउंड साउंड ऑन या ऑफ कर सकते हैं कि अगर हमें सराउंड साउंड चाहिए तो यहाँ पे ऑफ ऑन है, और यहाँ पे एंटरटेनिंग, गेमिंग, स्पोर्ट्स, उस हिसाब से आवाज़ें आएंगी। तो उसके बाद हम जाते हैं माइक्रोफोन पे। माइक्रोफोन पे अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ना, ये जो लेवल उठ रहा है, इसका मतलब ये इस माइक्रोफोन से आ रही है ये वाली आवाज़। तो इसको हम यहाँ से हम इसको ज़्यादा कम कर सकते हैं। तो उसके बाद जो मैं आपको बता रहा था, इसके अंदर है ब्लू वॉइस की टेक्नोलॉजी, जो ब्लू वॉइस बहुत बड़ी कंपनी है जो माइक बनाती है, उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है ना, वो टेक्नोलॉजी इसके माइक में यूज़ हो रखी है। तो इसकी हम एक बार इसको ऑन करके देखेंगे कि आवाज़ में क्या चेंज जाता है। तो मैं इसको ऑन करके देखता हूँ।
तो अब जो आपका आवाज आ रही है ना, वो इसकी ब्लू वॉइस टेक्नोलॉजी ऑन करने के बाद आ रही है। तो आप मुझे बताना कि इसमें कितना चेंजेस आया और कितना आपको फर्क लगा उसको करने से। और उसके बाद हम यहाँ से इसमें जो ये है, ये इसके कुछ प्रीसेट्स है, उनको हम चेंज कर सकते हैं। जैसे ये एफएम रेडियो है, इसमें कुछ और वॉइस आ रही है आप, आपको। और उसके बाद ये हाई लाउड है, इसमें हमारी वॉइस ज्यादा लाउड आएगी आपको। और ये ब्रॉडकास्ट के लिए यूज करने के लिए, और ये लो वॉइस लाउड करने के लिए। यहाँ पे इसकी बैटरी परसेंटेज यहाँ पे दिखा रहा है जीएफ सॉफ्टवेयर में। और अगर हम इसका पावर बटन एक बार प्रेस करेंगे ना, तो तब भी वो उसकी बैटरी बताता है, और अगर हम उसको होल्ड करेंगे तो फिर वो बंद हो जाएगा। तो पहनने में काफ़ी लाइट वेट है, पुराने वाले से काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, क्योंकि इसका सिर्फ वेट 278 ग्राम्स कुछ करके इसका वेट है बस। तो और ये पूरा, मतलब इसको कहते हैं लाइट स्पीड वायरलेस हेडफोन, क्योंकि जो इसके हेडफोन थे ना, उसमें कोई डिले नहीं आती है। मैम बाई चांस हम कोई गेम खेल रहे हैं तो उसमें अगर डिले आए तो हमको बहुत प्रॉब्लम होती है खेलने में, लेकिन इसमें बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इसकी जो साउंड ट्रांसफर करने की स्पीड है ना, वो बिल्कुल लाइट स्पीड है। मतलब उसमें बिल्कुल भी ऐसा लगेगा वायर वाले हेडफोन से खेल रहे हो, वायरलेस है ही नहीं हेडफोन। तो अगर आपको अच्छे लगे तो मैं एक रेफरल लिंक डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, तो आप चाहे तो उसको वहाँ से परचेज करोगे, आपको थोड़ा सा डिस्काउंट पड़ जाएगा। तो कमेंट में लिख के जरूर बताना कि आपको कैसे लगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में इन्हीं हेडफोन्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।